हेलो दोस्तों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में। फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में, तो देखो वहां पे हमने क्या किया था। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में हमने क्या नहीं करा था, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, तो वहां पे हमने क्या कैलकुलेट किया था। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में हमने कैलकुलेट किया था लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टी। लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या निकाला था, लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस इंटू में एफ ऑफ एस। और इसी को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जीरो बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जीरो। और फाइनल वैल्यू थ्योरम में हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ इन्फिनिटी। फाइनल वैल्यू थ्योरम में हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू आपकी जीरो हो जाएगा, एस टेंडिंग टू जीरो एस इंटू एफ ऑफ एस। देखो कितना अच्छा है कि दोनों में बस लिमिट की वैल्यू को चेंज कर दो, सेम वैल्यू आ रही। ठीक है, लिमिट की वैल्यू को चेंज कर दो, और दोनों में कंडीशन ये था कि दोनों में ही कंडीशन ये है कि जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो तब के कहते हैं कि एफ ऑफ टी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। हाँ, एफ ऑफ टी क्या है, कॉन्टिन्यूस है फॉर टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो दोनों में ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने इसको डिराइव किया था, तो वैसे ही यहाँ पे देखते हैं इसको लिख देते हैं लाप्लास ऑफ एफ प्राइम टी। एफ प्राइम टी का मतलब क्या होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एफ प्राइम टी का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, तो इसलिए यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल लिख रहा हूँ, लाप्लास ऑफ एफ प्राइम टी इक्वल टू क्या बताया था, एस लाप्लास ऑफ एफ टी। हाँ, एस लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। अब हम बात करते हैं लाप्लास ऑफ एफ प्राइम टी। लाप्लास ऑफ एफ प्राइम टी की जब मैं बात करता हूँ तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई के पावर माइनस एस टी, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, जीरो से इन्फिनिटी तक। और फिर यहाँ पे क्या कर दो, तो ये हो जाएगा एफ, हाँ एफ प्राइम टी डी टी, एफ प्राइम टी डी टी इक्वल टू यहाँ पर तो यही लिखा रहेगा एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। हाँ, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। अब आगे देखो, अब देख दोनों साइड का लिमिट, इसको इक्वेशन नंबर वन मान, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, टेकिंग लिमिट्स ऑफ वन, टेकिंग लिमिट्स ऑफ बोथ साइड ऑफ वन, टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ वन एज, जब s क्या हो रहा होगा, जीरो की तरफ जा रहा होगा, जब s जीरो की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ प्राइम टी डी टी लिमिट s टेंडिंग टू जीरो s ऑफ, इसको लाप्लास ऑफ एफ टी को क्या लिख दूं, एफ एस ही लिख दूं, क्या एफ एस ही लिख दूं, क्या लिख दूं, लाप्लास ऑफ एफ टी को लिखते हैं एफ एस ही लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। या तो अभी रहने दो, अभी इसको लिख दूं लाप्लास ऑफ एफ टी, अभी रहने दो इसको लिख दूं लाप्लास ऑफ एफ टी ही लिख दूं, या चलो ठीक है ऐसे ही लिख, कोई बात नहीं, जैसे है वैसे ही लाप्लास एफ एफ टी। ओके, और यहाँ पे माइनस एफ ऑफ जी। अब मुझे बताना कि यहाँ पे केवल एस एक ही जगह पे दिखाई दे रही है, इस एस में यहाँ पे एस की वैल्यू रख दो जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी एफ प्राइम टी डी टी। यार ये देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा एस इंटू एफ ऑफ एस।
माइनस, अच्छा इसमें तो लिमिट कुछ रख नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका वैसे का वैसे ही रहेगा, लिमिट रखने का कोई फायदा नहीं। ई के पावर देखो, ई के पावर -0 इनटू टी मतलब हो जाएगा ई के पावर -0 या ई के पावर 0। ई में प्लस 0 का प्लस माइनस कोई साइन नहीं होता, ई पावर 0, और ई पावर 0 का आंसर कितना हो जाता है 1। ई के पावर 0 का आंसर यानी कि इतने का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी एफ प्राइम टी डी टी इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इवन एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करो, यहाँ से क्या हो जाएगा इसका एलसीए मतलब कि इसको इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी आ जाएगा। हाँ एफ ऑफ टी, और ये कहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, 0 से इंफिनिटी, और ये लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू में एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। अब इसको मैं लिख दूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस एफ ऑफ 0 लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू में एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। अब देखो ये कैंसिल हो गया, हाँ कैंसिल हो गया, तब बचा क्या है यहाँ का, एफ ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू एफ ऑफ। तो ये हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से हमने निकाल दिया फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस ए, तो आपको दो क्वेश्चन दिखा हुआ है, क्या क्या पता करना है, दो चीजें पता करनी है, फाइंड क्या क्या पता करना है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 लिमिट सॉरी लिमिट टी टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ टी, और एक में लिखा हुआ है लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ। यानी कि अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के ये देखो तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, एफ ऑफ 0 मतलब यहाँ पे लगेगा इनिशियल वैल्यू थ्योरम, क्या लगेगा इनिशियल वैल्यू थ्योरम, और यहाँ पे हमसे क्या पूछना चाह रहा है, एफ ऑफ इनिफिनिटी, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा फाइनल वैल्यू। यहाँ पे क्या लगेगा फाइनल वैल्यू थ्योरम, चलो कैलकुलेट करते हैं पहला। तो लिमिट टी टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या बताया था, लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस की वैल्यू तो दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस इंटू में एफ ऑफ एस की जगह पे था 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस ए, ये एस से एस कैंसिल हो गए, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख दो 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस ए, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे तो इन्फिनिटी ही आता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 यानी कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू होगी 0, यानी कि पहले का आंसर आ जाए, क्लियर है। सेकंड, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू में एफ ऑफ एस, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 रख दो एस एफ ऑफ एस की जगह पे रख दो 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस ए, ये कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन 0 प्लस ए यानी कि ये आ गया 1 अपॉन ए, यानी कि एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू या सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 1 अपॉन। ठीक है, तो देखो ये इतने आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाए, इतने ही आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब हमारा जो रहता है नेक्स्ट पार्ट है,
सेकेंड पार्ट ये है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। किसी पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? ठीक है, लेकिन सबसे पहले समझो पीरियोडिक फंक्शन क्या है। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते, जो अपने आप को एक इंटरवल के टाइम के बाद में क्या करते हैं, रिपीट। मतलब कि अगर मान लो एफ ऑफ टी है, अगर इसका टाइम पीरियड ए है, तो ये अपने आप को ए के बाद में क्या कर रहा है, रिपीट कर। फिर से थोड़ी देर बाद में अपने आप को टू ए के बाद में रिपीट करे, ऐसे ही अपने आप को ये थ्री ए के बाद में, मतलब हर एक ए के बाद में अपने आप को रिपीट करेगा, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और यानी कि इस फंक्शन का जो पीरियड हो गया वो क्या हो गया, ए। ऐसे ही साइन टी भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, साइन टी भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड होता है 2π। साइन टी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड होता है 2π। कॉस टी भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका टाइम पीरियड होता है 2π। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिनका अपना पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अभी तो हम लाप्लास करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं, इफ मान लेते हैं कि जो ये एफ ऑफ टी इज हाँ पीरियोडिक फंक्शन, मान लेता हूँ कि इसका पीरियोडिक, ये पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। और इसका पीरियड क्या है, बी पीरियड, इसका पीरियड क्या है, क्योंकि हर एक पीरियोडिक फंक्शन का एक पीरियड होता है, इसका पीरियड ही मैं मान लेता हूँ ए है, इसका पीरियड मैं मान लेता हूँ ए, ओके। तब तब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस ए। फिर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से a तक, 0 से a तक ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने ये फॉर्मूला, ओके। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का ये सिंपल सा एक फॉर्मूला, ओके। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपको एक एक बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। चलो अब इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ से एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, या पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। कैसे ये आया होगा, कैसे ये आया होगा, तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन या प्रूफ, लिख लेते हैं प्रूफ। हाँ, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, ये लाप्लास का डेफिनेशन था, ये लाप्लास का डेफिनेशन था। लेकिन ये फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा था, हम इसको कर लेते हैं 0 से a ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब फिर कहाँ से कहाँ तक, ए से कहाँ तक, ए से चले जाओ इन्फिनिटी तक, ए से इन्फिनिटी तक, और फिर क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ई के पावर माइनस एस टी। यहाँ तक क्लियर है, अब इसको थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, यहाँ से ये ऐसे एज इट इज लिख देते हैं, 0 से a ई के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ओके। अब लेकिन लेकिन इस वाले पार्ट में क्या करते हैं, जहां पे टी है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में जहां पे टी है, टी की जगह पे रख देते हैं जेड प्लस ए, टी की जगह पे क्या रख देते हैं, जेड प्लस ए। तो डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा, डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस, अच्छा अब जब मैं टी की जगह पे ए रख रहा हूँ, जब टी की जगह पे ए रख रहा हूँ, तो टी की जगह पे जब मैं ए रखूंगा तो जेड की जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे रख करके देख लो इसमें,
टी की जगह पे ए रखूंगा तो जेड की जगह कितना आ जाएगा, जीरो। यानी कि लिमिट भी तो चेंज करना होता है ना। और जब मैं टी की जगह पे इन्फिनिटी रखूंगा तो जेड की जगह पे इन्फिनिटी, जीरो पे इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, ई टू पावर माइनस एस। और टी की जगह पे हमने क्या रख दिया, जेड प्लस ए। टी की जगह पे हमने क्या रख दिया, जेड प्लस ए इंटू एफ। अब फिर से टी की जगह पे क्या आ जाएगा, जेड प्लस ए डी जेड। क्लियर है? हाँ, यहाँ तक क्लियर है, ये हमने यहाँ तक कर लिया। ओके, अब देखो ये जीरो से लेकर के ए तक e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस अगर मैं इसमें देखूं तो क्या हो रहा होगा, e के पावर माइनस एस ए। देखो अगर कहीं पे e के पावर माइनस एस जेड प्लस ए लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e के पावर माइनस एस जेड माइनस एस ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, e के पावर माइनस एस जेड इंटू में e के पावर माइनस एस ए। ठीक है, अब मुझे बताओ जेड के रिस्पेक्ट में तो ये डिफरेंशिएशन है, मतलब कि ये तो क्या होगा कि इसका पार्ट रहेगा इंटीग्रेशन का, और ये क्या होगा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, e के पावर माइनस एस ए, e के पावर माइनस एस ए मैंने बाहर लिख, और यहाँ से क्या हुआ, जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस जेड e की पावर माइनस एफ, और ये हो गया एफ ऑफ जेड प्लस ए डी जेड। क्या हो गया, डी जेड। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे देखते, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो जेड था, जहां पर भी जहां जहां पे, यहाँ तक तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि ये हो गया एस जेड, और जहां जहां पे जेड है वहां पे मैं रख देता हूँ टी। जहां पे जेड है वहां पे मैं क्या रख देता हूँ, टी। यहां तक क्लियर? जेड को जगह पे मतलब क्या रख देता हूँ, टी। मतलब कि इंटीग्रेशन याद करो तो मैंने बताया था कि अगर एफ ऑफ एक्स डीएक्स है ए से बी तक, तो उसको मैं ए से बी तक एफ ऑफ वाई डी वाई करने में कोई समस्या नहीं होती, एफ ऑफ डी वाई डी वाई करने में कोई समस्या नहीं होती। ये क्या हो जाएगा, जीरो से ए ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और यहाँ पे प्लस ई की पावर माइनस एस ए है, ये कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे ई की पावर माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो से इनफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी प्लस ए डी टी, टी प्लस ए डी टी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, ये सब हटा देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो देखिए, अब जब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ से अब देखिए क्या पता चलता है कि देखो इसको यहाँ पे देखो, ये e की पावर माइनस एस ए लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो ये क्या था, प्लस e की पावर में माइनस एस ए। अब देखो ये क्या होता था, एफ ऑफ टी प्लस ए क्या होता था, एफ ऑफ टी प्लस ए क्या होता था, एफ ऑफ टी के बराबर होता था, एफ ऑफ टी प्लस ए किसके बराबर होता, एफ ऑफ टी के लिए होता है क्योंकि ए तो उसका टाइम पीरियड होता है, तो मैं इसको बड़े आसानी से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जीरो से ए ई के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी टी प्लस ई के पावर माइनस एस ए जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस इन्फिनिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एस टी होगा। ओके जी, और फिर उसके बाद में यहाँ पे एस टी, और यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हो गया, और ये क्या था, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, हाँ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इतना क्लियर है। अब
अगर देखा जाए तो इनमें कुछ कॉमन है क्या, इसमें कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो ये क्या है, यही तो क्या कहते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये 0 से लेकर के ए टी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, ये क्या है? ये भी तो लाप्लास का डेफिनेशन ही है, ये भी तो क्या है, लाप्लास का डेफिनेशन ही है, टी पावर माइनस एस ए इंटू में क्या हो जाएगा, ये लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। हाँ ये भी लाप्लास का डिफिनेशन ही है। अब इसको सबको उस साइड, हाँ इसको इधर लेते जा रहे, तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ई की पावर माइनस एस ए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 से लेकर के a तक, 0 से लेकर के a तक, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब देखो इसमें लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कॉमन है, तो यहां से क्या बच जाएगा, 1 माइनस ई के पावर माइनस एस ए, और ये आ जाएगा 0 से लेकर के a तक ई के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो अब बड़े आसानी से यहां से हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस ए 0 से लेकर के a तक ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी। तो देखो यही फॉर्मूला था और यही हमने डिराइव किया, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर, जहां पे 0 से लेकर के टी की वैल्यू कहाँ तक, 2 तक, एंड, और ये बताया हुआ है कि एफ ऑफ टी प्लस 2 इक्वल है हमेशा एफ ऑफ टी के, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 2। और फाइंड करना है, फाइंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो देखो भैया क्या बताया था, अगर कहीं पे ऐसा लिया हुआ है इसका मतलब होता है कि इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, टाइम पीरियड कितना हुआ, 2। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस ए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के a तक, ई के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, 2, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 2, 0 से 2 ई के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ, या एफ ऑफ टी की जगह क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, हाँ यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी, यानी कि हमारे पास में आ क्या आ चुका है, 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 एस, 0 से लेकर के 2 ई की पावर माइनस एस टी इंटू में टी स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और ये लाप्लास ऑफ एफ टी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इतने को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इतने को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, कितने को, 0 से लेकर के 2 ई के पावर में माइनस एस टी इंटू में टी स्क्वायर टी। इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखो, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। और विद रेस्पेक्ट टू देखो टी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो देखो क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी
यहाँ पे यू लिखा हुआ है और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू डी, इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो सबसे पहले यू लिख लो, इंटीग्रेट कर दो वी को, माइनस डी यू बाई डी एक्स निकाल दो, और इसको इंटीग्रेट करके क्या कहते हैं कि यू डी एक्स के साथ में, फिर इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। तो देखो अभी मैंने पहले वाले को लिख लिया, पहला ये यू होगी, तो मैंने लिख लिया टी स्क्वायर, हाँ टी स्क्वायर। अब मुझे बताओ वी मतलब कि, ये देखो यू की जगह पे मैंने लिख लिया टी स्क्वायर, वी की जगह पे लिख लेता हूँ ई के पावर माइनस एस टी। अब मुझे बताओ डी वी या वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा, हाँ अगर मैं बोलूँ कि वी डी टी कितना हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस पी टी टी, तो यानी कि ई की पावर माइनस एस टी डी टी का आंसर कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी डी टी का आंसर कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टी करना था ना, तो ये आ जाएगा, तो यानी कि ये टी स्क्वायर इंटू में यहाँ पे वी डी एक्स, यानी कि पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, इतने के ही जगह पे आ जाएगा ई के पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस। ओके माइनस, अच्छा मुझे बताओ यहाँ से डी यू बाई डी टी निकाल लो, डी यू बाई डी टी तो कितना हो जाएगा टू टी, डी यू बाई डी टी कितना आ जाएगा टू टी, इंटीग्रेशन टू टी मल्टीप्लाई, फिर से अब इतने का इंटीग्रेशन फिर से वही ई के पावर में माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस। ओके, और यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं कि, और इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से, इस पूरे का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना था, डी टी के रेस्पेक्ट, और ये कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही थी, 0 से 2 तक की बात हो रही थी, क्लियर है, तो यहाँ से यहाँ तक। चलो ये माइनस से ये माइनस मैंने काट दी, ये माइनस से ये माइनस कट गए, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, टी स्क्वायर ई के पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। अब बचा यहाँ पे प्लस, मैं टू को बाहर ले लेता हूँ, टू को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, टू अपॉन एस, एस भी कांस्टेंट है ना, एस भी कांस्टेंट है तो एस को भी बाहर लेंगे। अब क्या हुआ, टी इंटू में ई के पावर माइनस एस टी, टी इंटू में ई के पावर माइनस एस टी डी टी, फिर 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को देखो, ध्यान रखना फॉर्मूला फिर से यही लगेगा लेकिन इतने पार्ट में, फॉर्मूला फिर से यही लगेगा लेकिन इतने पार्ट में, अब की यू की जगह पे कितना हो चुका है, टी के स्क्वायर को जाए टी, और अब की डी टी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, डी टी की जगह पे 1, डी यू बाई डी टी की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब की यू की जगह पे क्या है, फिर से ध्यान दो, अब की यू की जगह पे क्या है, अब की यू की जगह पे टी स्क्वायर के बजाय क्या है टी, अब की यू की जगह पे टी स्क्वायर के बजाय क्या है टी, और यहाँ पे अगर मैं डी यू बाई डी टी निकालूंगा कितना आएगा 1 आएगा, डी यू बाई डी टी निकालूंगा तो 1 आएगा। तो देखो फॉर्मूला अभी मैं इसको आगे मैं ऐसे लिखता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने निकाल लिया था 0 से लेकर के 2 ई की पावर माइनस एस टी टी स्क्वायर डी टी, तो यहाँ देखो यहाँ से स्टार्ट थी कहानी, कहाँ से टी स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस प्लस 2 अपॉन एस। अब अंदर यहाँ से करना शुरू करो इंटीग्रेशन, यहाँ से इंटीग्रेशन अगर लगाएंगे तो मुझे बताओ यू हमारा टी था तो टी लिख दिया, अच्छा वी डी टी की जगह पे पूरा पूरा आंसर कितना आ जाएगा, पूरा पूरा यही आ जाएगा ई की पावर में माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ई की पावर में माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस। ओके, ई की पावर में कितना आ जाएगा माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस। ओके, आगे चल करके फिर माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी की जगह कितना आंसर आ जाएगा 1 इंटू में वी डी टी की जगह पे फिर से ई के पावर में माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और ये हो जाएगा डी टी, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक।
अब देखो बड़े आसानी से हमारा काम हो चुका है। अब हम बड़े आसानी से इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिख लेते हैं टी स्क्वायर इक्वल माइनस एस टू अपॉन माइनस एस, और यहाँ कितना हो जाएगा टू अपॉन एस, ये देखो कितना हो जाएगा टी ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन एस ई की पावर में माइनस एस टी डी टी। और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर, तो बड़े आसानी से अपना इसको क्या लिख सकते टी स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस प्लस में टू अपॉन एस टी इंटू में ई की पावर माइनस एस टी माइनस एस, और ये देखो प्लस वन अपॉन एस इंटू में ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर e की पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस प्लस, या माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू टी अपॉन में एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी प्लस, या हाँ ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा एक मिनट, प्लस माइनस 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 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा टू टी, यहाँ पर भी माइनस होगा टू अपॉन में एस क्यूब टू अपॉन एस क्यूब, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर टू तक, जीरो से लेकर के टू तक। ठीक है, अब इन सबकी वैल्यू रख देते हैं, अब इन सबकी वैल्यू रख देते हैं, फटाफट सबका आंसर आ जाएगा। जहां जहां पे किसके रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था टी के रिस्पेक्ट में, जहां जहां पे टी है वहां वहां पे एस को टू रख दो। देखो यहाँ क्या हो जाएगा फोर ई की पावर माइनस टू एस अपॉन में माइनस एस माइनस टू इंटू टू अपॉन में एस स्क्वायर ई की पावर में माइनस टू एस माइनस टू अपॉन में एस क्यूब इंटू में ई की पावर में इंटू में ई की पावर में कितना आ जाएगा माइनस टू एस, फिर आगे माइनस, अब जहां जहां पे टी स्क्वायर है वहां वहां पे जीरो है, ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस टू अपॉन में एस क्यूब इंटू में ई की पावर माइनस जीरो, माइनस जीरो कुछ होता नहीं है तो उसको मैं प्लस जीरो लिख देता हूँ, या प्लस जीरो भी कुछ नहीं होता तो जीरो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इतने का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ तक, यहाँ तक का आंसर कितना आ जाएगा, देखो फोर अपॉन एस माइनस फोर अपॉन एस, और इतने का आंसर कितना जाएगा माइनस, ये हो जाएगा फोर अपॉन में एस स्क्वायर ई की पावर में माइनस टू एस। अच्छा देखो सब में ई की पावर माइनस टू एस कॉमन होगा, यहाँ पर भी क्या कहते हैं कि ई की पावर में माइनस टू एस होगा ही, यहाँ पर भी ई की पावर माइनस टू एस है इसमें भी, और ये भी कितना आ जाएगा टू अपॉन में एस क्यूब और इंटू में ई की पावर में माइनस टू एस, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू अपॉन में एस क्यू टू अपॉन में एस क्यू, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं अब इसमें देखूं तो अगर यहाँ से देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखा जाए तो कुछ ना कुछ, तो देखो अगर एस क्यूब नीचे एलसीएम ले लूँ, एस क्यूब अगर एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे, या पहले एस क्यूब नहीं, पहले एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे आप क्या करो इतने में ई की पावर माइनस टू एस कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, और यहीं पे नीचे एलसीएम भी ले लो इतने में एस क्यूब, यहाँ क्या आ जाएगा फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस माइनस टू और प्लस टू अपॉन एस क्यूब प्लस टू अपॉन एस क्यूब। ठीक है, तो यानी कि यहां तक क्लियर है,
यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी सारी की सारी चीज। ठीक है, अगर मैं इसमें से क्या करता हूँ, टू अपॉन नजदीकी 1/s³ लिख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये मैंने दोनों का मिला करके s³ बाहर लिख लिया, तो क्या देगा, टू माइनस, और यहाँ पे क्या देगा, हाँ 2 माइनस, और यहाँ पे देखो क्या देगा, 4s² + 4s + 2, और यहाँ पे e⁻²। तो ये आ चुका है हमारे पास में आंसर, ये हमारे पास में क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। ओके, अब मुझे लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास निकालना था, लाप्लास ऑफ एफ टी कितना हो जाएगा, वहां पे देखो क्या आया था, 1/(e⁻²) था, e⁻²) था, और इंटू में आ जाएगा, 1 में नीचे s³ आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 2 - 4s² + 4s + 2, और e⁻²। तो ये हमारे पास में क्या आ चुका है, लाप्लास का आंसर। ठीक है, तो ऐसे पीरियोडिक फंक्शन के हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे हम बड़े आसानी से ये पीरियोडिक फंक्शंस के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया से सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, आगे हम क्या कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।